सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक बार फिर से बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट जांच के दायरे में आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की एक तस्वीर महेश भट्ट के साथ नजर आई थी, जिसके बाद से ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में आकर महेश भट्ट को खरी खोटी सुनाई, लेकिन ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, महेश भट्ट जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, उतना ही वो अपनी निजी जिंदगी में भी विवादों के चलते खूब सुर्खियां बटोरते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं महेश भट्ट कब कब विवादों में घिरे और सबसे बड़ा विवाद उनका क्या था। 20 सितंबर 1948 को मुंबई में जन्मे महेश भट्ट इस समय 71 वर्ष के हैं, लेकिन अपने फिल्मों के अलावा हमेशा से ही उनका विवाद निजी जिंदगी को लेकर रहा है। एक्ट्रेस जिया खान हो या रिया चक्रवर्ती, उनकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनको लेकर उन पर मीडिया के जरिए लोगों ने सवाल भी किए हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि महेश भट्ट की मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। उनकी मां ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी शादी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उनकी निजी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा विवादों भरी रही है। एक्ट्रेस के साथ अफेयर और परवीन बॉबी के साथ उनका लगाव इस बात का जीता जाता सबूत है। लेकिन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को लेकर पहला ऐसा मामला नहीं है जब महेश भट्ट किसी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी और कई बार विवादों में आ चुके हैं, और ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी की इच्छा जताई थी और उन्हें लिप टू लिप किस भी कर बैठे थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसी बातें क्यों कही थी कि वो अपनी बेटी से शादी कर लेते, और यह उस समय मामला काफी ज्यादा तूल भी पकड़ा था। दरअसल उस समय हुआ यूं कि महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक बोल्ड फोटो शूट किया था। इस फोटो शूट में वो पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस करते दिखे थे। जाहिर सी बात है, ये फोटो छपते ही हंगामा मच गया। लोग महेश भट्ट की आलोचना करते हुए बवाल करने लगे। मीडिया में भी इस मुद्दे ने महेश भट्ट की जमकर किरकिरी कराई और इस फोटोशूट पर महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। हालांकि विवाद उस वक्त इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उनकी मुसीबतें घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ गईं। हुआ यूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने यह कह दिया कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मुझसे शादी कर लेता। इसके बाद तो ऐसा तमाशा हुआ कि महेश भट्ट और भी ज्यादा फंस गए। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में महेश भट्ट ने अपनी सफाई में कहा कि फोटोशूट के बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, उससे वो डिप्रेशन में चले गए थे और इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने पूजा से शादी करने जैसा बयान दे दिया था। तो ये वो मामला था जिसको लेकर उस समय महेश भट्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छा गए थे। अपनी ही बेटी से वो शादी करने की इच्छा जताकर उस समय काफ़ी ज़्यादा विवादों में छा चुके थे महेश भट्ट। लेकिन आज भी ये विवाद ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जब से रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तब से ही लोग उनकी जमकर किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले, रिया चक्रवर्ती से नज़दीकियों को लेकर महेश भट्ट का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में लिया जा रहा है। अब आपने इस पूरी खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही महेश भट्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।